ये नजारा किसी दफ्तर का नहीं है बल्कि एक घर में हम पहुंचे हैं जहां वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। नमस्कार, राज्यसभा टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इन 21 दिन के लॉकडाउन में हमारे जीवन में कभी कभी लगता है कि सब कुछ बदल गया है। आज से पहले हमारे जीवन में शब्द थे ऑफिस, मीटिंग, स्कूल, बच्चे, उनका काम, अपना काम, लेकिन अब ये शब्द बदल गए। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन की, क्वारंटाइन की, आइसोलेशन की और वर्क फ्रॉम होम की। जी हाँ, कुछ ऐसे ही लोग मेरे साथ मौजूद हैं, गाजियाबाद की एक फैमिली में हम पहुंचे हैं। उनसे उनके अनुभव जानने की कोशिश करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम किस तरीके से उनको भा रहा है या फिर नहीं भा रहा है। मेरे साथ सुमन जुड़ रही है। हाय सुमन। हाय। सुमन कहाँ काम करती हैं और वर्क फ्रॉम होम के बाद कैसा महसूस होता है? हेलो, माय नेम इज सुमन और मैं सीपी ग्लोबल में काम करती हूँ। दिस इज अ लॉ फर्म और वहाँ पे मैं एज ए प्रिंसिपल आईपी एनालिस्ट हूँ। जब से मुझे पता चला कि वर्क फ्रॉम होम हुआ है तो मैं काफ़ी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, लाइक सिटिंग, जो हमारा बॉडी पॉस्चर होता है काम के टाइम पे वो यहाँ पे घर पे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो जिसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। प्लस मेरा जो रूटीन है डेली का वो ऑलमोस्ट डिसबैलेंस हो चुका है। लाइक पहले होता था कि घर का काम एक पता होता था कि कैब इतने बजे तक आएगी, उस हिसाब से रूटीन होता था, लेकिन अब ये हो गया कि ऑफिस का काम भी करना है, घर का काम भी करना है। प्लस अब ये होता है कि 5 मिनट के लिए भी अगर मैं अपने सिस्टम से हटती हूँ, इन दैट केस मेरा बॉस मुझे कॉल करके बोलता है कि मतलब इतने टाइम से अवे शो कर रही हो, काम कर भी रही हो, नहीं कर रही हो, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम दे रही हैं इस टाइम पे। बट स्टिल मैं तो इतना ही कहूँगी कि ये सब चीज़ें जो भी हमारे पीएम ने बोली है हम चीज़ों हमारे लिए, तो वो हमारे हेल्थ के लिए ही है एक तरीके से, तो मैं तो इतना ही कहूँगी स्टे होम स्टे सेफ। तो दिक्कतें तो हैं लेकिन हौसले बुलंद हैं और ये सभी जानते हैं कि ये अपने तरीके के कोरोना वॉरियर्स हैं और इनकी हिम्मत सभी को शक्ति देती है। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ इसी फैमिली के जिनसे बात करना जरूरी हो जाता है, उनके अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रदीप जुड़ रहे हैं। प्रदीप कैसे हो? हेलो, आई एम फाइन। प्रदीप कैसा लग रहा है इन दिनों जब घर से काम करने का मौका, बहुत दिनों से चाहते थे ना ऐसा मौका? एक्चुअली जब स्टार्टिंग में हमको पता लगा कि इस तरह का कुछ फरमान आया है सरकार की तरफ से, तो हमें बड़ी खुशी भी मिली कि वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन मिला है, तो शायद हम परिवार के साथ टाइम बिता पाएंगे। बट कहीं ना कहीं इसका दोनों ही चीज़ों का फर्क पड़ रहा है, मतलब ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो ये है कि आप सुबह शाम तक सिस्टम में बैठे रहते हैं, क्योंकि अगर आप उठते हैं तो आपको लगेगा कि आपका बॉस सोचेगा कि आप काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। और सेकंड थोड़ा ये है कि पोस्टर नहीं बन पा रहा, क्योंकि जो सुविधाएं हमें ऑफिस में मिलती है प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह वो घर पर नहीं हो पाता है। एनी हाउ कितने भी अच्छे आपके फर्नीचर के पास हो बट दे आर नॉट एज कॉम्प्लीमेंटिंग एज वी हैव इन आवर ऑफिसेज। ओके, और सेकंड थोड़ा एक नेट का इशू भी आता है सर, क्योंकि सर्वर पर जो हम काम करते हैं वो ऑफिस से अलग होते हैं, घर पर हम तो अपने ब्रॉडबैंड से काम करते हैं। एंड बट इन लास्ट मैं कहना चाहूँगा बट वी आर एंजॉयिंग एट लास्ट, क्योंकि घर में रह रहे हैं तो सेफ भी हैं, बाहर जाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर पूरा दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, बट वी आर एंजॉयिंग बट लिटिल बिट। ठीक है, तो कुछ दिक्कतें हैं लेकिन इन दिक्कतों के साथ एक सुकून भी है कि आप कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं लोगों को कि घर में रहना बहुत जरूरी है। मीडिया फर्म में आईटी सेक्शन में काम करते हैं किशोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर कैसे हैं और कैसा फील हो रहा है इन दिनों? आई एम गुड। इस समय तो अच्छा लग रहा है पर घर बैठे काम करना थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आता है जो मैं ऑफिस में नहीं आता था, तो थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है और मेरे वर्किंग आवर बढ़ गए हैं। अच्छा। ऑफिस में मेरा 10 से 6 रहता था पर अब ये 6 से 8, 9 and 10 कुछ भी हो सकता है। और वर्किंग घर से काम करना उतना कंफर्टेबल नहीं जितना मैं ऑफिस में रहकर करता था। पर लेकिन कैसा लगता है कि इस जंग में पूरे देश का साथ? इस जंग में देश के साथ हैं हम और जब तक हमें हमारे पीएम मोदी साहब हमें ऐसा करने को कहेंगे हम उनके साथ हैं। ठीक है, तो बात सिर्फ 21 दिनों की नहीं है, अगर ये बात आगे भी बढ़ती है तो ये कोरोना वॉरियर्स तैयार हैं अपने ही अंदाज में। राज्यसभा टीवी हमेशा की तरह जानता है कि हमारे तमाम दर्शक बहुत समझदार हैं और संकट की इस घड़ी में वो अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे और जितनी कोशिश हो पाएगी देश के लिए काम रखेंगे। और मैं जैसा कि आपसे कहता हूं कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।